कर दी है गदर 2 की तैयारी। कहां पर शूट शुरू होने वाला है और उनके द्वारा तस्वीर जो शेयर की गई है उसने फैंस की बेताबी कैसे बढ़ा दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। बात करेंगे गदर 2 की, जिसका इंतजार कई सालों से हो रहा है। साल 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया, लगान के साथ रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में बहुत ज़्यादा टक्कर की थी। मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक तरफ थे और सनी देओल एक तरफ थे और इस टक्कर में जीत हुई थी अपने सनी पाजी की। जी हाँ दोस्तों, लगान से भी ज़्यादा कमाई कर दिखाई थी। भले लगान सेलेक्ट हुई थी अवार्ड के लिए और ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, भले ऑस्कर नहीं मिल पाया था इस फिल्म के लिए, लेकिन जो गदर का स्वैग था कई टाइम तक वो थिएटर में चलता रहा। इसके गाने, इसका म्यूजिक, इसकी कहानी लोगों के दिलों को छुई और सनी पाजी का जो ओहदा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब गदर 2 की बात हो रही है, इसीलिए एक्साइटमेंट डबल लेवल पर है। ऊपर से जो स्टार कास्ट है वो पूरी की पूरी वही रखी गई है। इतने सालों बाद भी स्टार कास्ट में कोई चेंज ना लाना इस फिल्म की USP होने वाली है, यानी कि हमारे तारा बनेंगे सनी देओल। इसके अलावा अमीषा पटेल भी होने वाली है और जो बच्चा था जीते का किरदार जिसने किया था वो अब बड़ा हो गया, यानी कि उत्कर्ष शर्मा, अनिल शर्मा के बेटे, और वही ओरिजिनल बेटे बनने वाले बड़े होकर। पहली बार जब सनी देओल गए थे पाकिस्तान तो अपनी वाइफ के लिए गए थे, इस बार अपने बेटे के लिए वहाँ पर जाने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लेकर आ रहे हैं और सनी पाजी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसने और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है फिल्म के लिए। एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है जो कि मनाली की है और लगता है कि मनाली में ही इसका शूट शुरू होने वाला है। बाकी सेट्स तैयार किए जा रहे हैं अलग अलग जगह में। पाकिस्तान वाला लुक दिया जाएगा, मिनी कश्मीर का लुक दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस तस्वीर में उन्होंने कैप्शन लिखा है रीडिंग सेशन और वादियाँ, यानी कि उनका जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्योंकि जब तक खबरें चल रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि यार गदर 2 बन ही नहीं सकती, हो गया गदर का काम वहीं पे ख़त्म हो गया, फैंस बस उम्मीदें करते थे। लेकिन अब इतनी सारी तस्वीरें सामने आना, इतने सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट आना, ये कन्फर्म करता है कि गदर 2 फाइनली आ रही है। हम सबका सपना पूरा होने जा रहा है। अब गदर 2 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक लेजेंडरी फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है, तो मेकर्स के कंधों पर ऑब्वियसली यार बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अब देखते हैं ये जिम्मेदारी वो कैसे निभाते। कास्ट को लेकर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम टू सेम स्टार कास्ट है, बस कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ेगी और म्यूज़िक के साथ भी बहुत बड़ा न्याय करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह का गदर का म्यूज़िक था, दिल छूने वाला एक एक गाना है, फिर चाहे वो उड़ जा, काले कावा तेरे हो और बाकी एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, मतलब सारे गाने लेजेंडरी और इनको बोल सकते हैं कि बहुत ही प्यारे सॉन्ग उस फिल्म के थे। तो अब देखना होगा गदर 2 से किस तरह का धमाका मचाएंगे ये सब लोग। आपको कितना वेट हो रहा है गदर 2 का और आपको क्या लगता है गदर को टक्कर दे पाएंगे ये फिल्म, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।